तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है नौकरी करने वालों को लेकर। ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर से जुड़ा एक राहत भरा फैसला लिया है। अब नौकरी जाने की सूरत में सब्सक्राइबर अपने पीएफ अकाउंट में जमा 75% रकम एक महीने के अंदर निकाल सकेंगे। 6 दिसंबर से ये रूल लागू कर दिया गया है। मौजूदा नियम के अनुसार उन्हें 2 महीने बाद पूरा पैसा निकालने की अनुमति होगी। यानी कि अगर आपको 2 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी लिए पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है। पीएफ के संशोधन नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के बाद लेबर मिनिस्ट्री संतोष कुमार गंगमार ने बताया कि हमने स्कीम में संशोधन करते हुए पीएफ मेंबर्स को बेरोजगार होने के 1 माह के बाद अपने अकाउंट से 75% पैसा निकालने की छूट देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के बाद 58 साल तक पीएफ नहीं निकालने की शर्त तय की गई थी और ये नियम 1 मई 2016 से लागू होना था। हालांकि सरकार के पीएफ को लेकर इस नियम का काफी विरोध हुआ। ट्रेड यूनियन की ओर से श्रम मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके बाद अब ये नया नियम लागू किया गया है। तो दोस्तों काफी बड़ी न्यूज निकल कर आई है। नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है या फिर आप किसी वजह से नौकरी को छोड़ देते हैं और अगर आपको 1 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% तक राशि निकाल सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको 2 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी बड़ा फैसला निकल कर आया है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए आपको ये नियम कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस नई न्यूज के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।